इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली पानी की सप्लाई ठप होने से लोग परेशान हैं। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अंबाला में गुस्साए लोगों ने जीटी रोड जाम किया है। मौके पर कुमारी शैलजा का भी लोगों ने घेराव किया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जानने के लिए पहुंची थी कुमारी शैलजा। ये बड़ी खबर, एसएचओ ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है। आपको बता दें कि अंबाला में अभी भी स्थिति ठीक नहीं है और अभी भी 3 से 4 फीट तक पानी कई जगहों पर भरा हुआ है। लोगों को समस्या हो रही है। हालांकि प्रशासन ये दावे कर रहा है कि राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की नाराजगी यहां पर देखने को मिली है। कुमारी शैलजा हालचाल जानने के लिए पहुंची थी, उनका भी घेराव लोगों ने किया। एसएचओ मौके पर पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर यहां पर स्थिति को शांत करवाया गया। लोग परेशान हैं और नाराजगी यहां पर लोगों की देखने को मिली है। अंबाला में गुस्साए लोगों ने जीटी रोड जाम कर दिया। ये बड़ी खबर, मौके पर कुमारी शैलजा पहुंची थी और दौरान लोगों ने उनका घेराव किया है। तो बाढ़ प्रभावित लोगों का हालचाल जानने के लिए कुमारी शैलजा पहुंची थी। इस दौरान लोगों की नाराजगी का सामना उन्हें करना पड़ा। बिजली पानी की सप्लाई ठप होने से लोग परेशान हैं यहां पर। अंबाला से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अंबाला में गुस्साए लोगों ने जीटी रोड जाम कर दिया। पिछले दिनों 7 से 8 फीट तक पानी भरा हुआ था अंबाला में और बाढ़ को लेकर अभी भी अलर्ट है। कई जगहों पर जल भराव है, लोगों को जीवन यापन में काफी समस्या हो रही है। कई लोग घरों से बेघर हो गए हैं, कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है। कुमारी शैलजा यहां पर हालचाल जानने के लिए पहुंची थी लोगों का और लोगों की नाराजगी का सामना उन्हें करना पड़ा। लोगों ने कुमारी शैलजा का घेराव किया, अपनी समस्या भी बताई। राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, अभी अंबाला में स्थिति कैसी है? कुमारी शैलजा पहुंची थी, लोगों की नाराजगी का सामना उन्हें करना पड़ा, क्या अभी भी जाम की स्थिति है या फिर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन इस पर? जी बिल्कुल, अभी अंबाला शहर के मनमोहन नगर इलाके का ये मामला है। वहां कम से कम अभी भी 2.5 से 3 फुट जो है पानी भरा हुआ है। पिछले 6 दिन हो गए हैं लेकिन वहां ना बिजली ना पानी, यह लोगों को काफी समस्या से जूझना पड़ रहा है। और लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जिला प्रशासन ने उन्हें केवल 25 मिनट का टाइम भी नहीं दिया। आधा घंटा पहले उन्होंने घोषणा की थी कि पानी आने वाला है और वो अपनी जो सामान है वो निकाल ले, लेकिन उनका कहना है कि 20 मिनट के अंदर अंदर पानी आ गया और वो न अपने बच्चे को बाहर निकाल सके, न सामान, सारा सामान खराब हो गया है। और उनका ये भी कहना है कि इस इलाके में जो है एक अब मौत भी हुई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन और जो विधायक है उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें आज जो है जीटी रोड जाम करना पड़ा है। जी ज्योति, बिल्कुल राजकुमार, एक तरह से देखा जाए तो हालांकि यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं हो पाई है, लेकिन प्रशासनिक दावे ये भी हैं कि लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, तो इसे लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि पहले उनके पास जेजेपी वाले ना बीजेपी वाले कोई भी नहीं आया, उन्हें देखने तक नहीं आए हैं, जबकि मनमोहन नगर इलाके का बहुत बुरा हाल था। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वाले थोड़े बहुत आए थे और उन्होंने उसकी मदद भी की थी और आज शैलजा आई है उनका दर्द सुनने और उन्होंने उनको अपना दर्द भी बताया और शैलजा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो उनकी पार्टी के लोग हैं वह उनकी मदद करेंगे। और उन्होंने सरकार पर भी सीधा सीधा हमला बोला है कि सरकार जो उनकी किसी भी बात को नहीं सुन रही है और वो पिछले 6 दिनों से जो है वो जो बाढ़ का पंज है वो झेल रहे हैं। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। राजकुमार जो कि संवाददाता है अंबाला के, उन्होंने जानकारी दी कि अभी भी स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं हो पाई है। मनमोहन नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है अंबाला के, जहाँ पर लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि सुनवाई नहीं हो रही, प्रशासनिक जो मदद है वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। पूरे आप अंबाला के माध्यम से देख रहे हैं इस खबर को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।